हाय एवरीवन, आई एम शाहीन हनीफ और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे तो कैसे बदलाव होंगे आपकी ज़िंदगी में। इसके पहले वाली आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस होंगे और या आप इसको आपके जो शैडो है, आपके जो शैडो वर्क है, क्या आप उस पर काम कर रहे हो, इनकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल वाइज देखेंगे। साथ ही में पहले मैं आपकी बर्थडे यहाँ पर बता देती हूँ, जो आपको देखते हैं आपकी बर्थडे में क्या है, इसके साथ ये कनेक्ट होने वाला है और लव मैरिज है, अरेंज मैरिज में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, एटीन, नाइन, ट्वेंटी एट, सेवन, फाइव, 15, ठीक है, 19, 2, 12, 14, 22, 1, 27, 31, 26, 10, 17, 20, 16, 30, 13 और 8। ओके, सो हम आपकी ये बर्थ डेट से पहले मैं प्रिडिक्ट कर देती हूँ। ओके, तो इस बर्थ डेट के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है, ये हर बार मैं बोलती हूँ, ये नॉर्मल है। मैं इस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं रखती और कुछ बताती हूँ जिससे आपको और कंटिन्यू आपकी एनर्जी पीक हो जाए। देखो, इस बर्थडे के हिसाब से कहीं ना कहीं लव का अरेंज मैरिज ज़्यादा दिखाई देते, फैमिली को आप मनाओगे और फैमिली को मनाते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ही स्ट्रगल वाली, मतलब बोलते हैं ना, शादी तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इवन इस रिलेशनशिप से पहले भी आपका एक ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। और एक मिनट में पहले आपकी बर्थडे सब सही रख से रख दूँ। ओके, देखो ज़्यादातर यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, ठीक है, जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, ठीक है, या तो आपकी इससे भी करियर कनेक्ट हो जाएगा, MBBS, ठीक है, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में कुछ भी, कैंसर से या फिर BHMS या फिर कुछ भी, XYZ, MBBS, कुछ भी, ठीक है। इवन टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर फील्ड से हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, इवन आपके एक एंगेजमेंट टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बर्थडे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, और इवन मैं आपको ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी समझो आप मैरिड हो और मतलब सॉरी डिवोर्स लिया है, ठीक है, और आप इसके बाद ये वीडियोज देख रहे हो तो सेकंड मैरिज के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर की वजह से ही कहीं ना कहीं ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। ओके, आपका बचपन से घर से बाहर रहना या तो आपके पार्टनर्स अपने पार्टनर का घर से बाहर रहना ये नॉर्मल होगा, ठीक है, या तो आउट ऑफ इंडिया में रहते होंगे वो, ठीक है, या आपको जानते हो तो आप इसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये आपकी लाइफ में एंट्री हो गया या नहीं। ये थोड़े से ईगोस्टिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वैसे मैं देखी जाऊं तो कहीं ना कहीं इनके आने के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। इनको आपकी बर्थडे में नॉर्मली बोलती हूँ तो आपके हिसाब से आपकी एनर्जी में बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं आप उनके मतलब बोलते ना दिलो दिमाग से ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दिल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई भी काम हो सकता है इनका, जैसे कि डॉक्टर है तो वो गवर्नमेंट में हो सकते हैं या तो फिर खुद की गवर्नमेंट में हो, या तो आपके फादर या इनके फादर, कुछ भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड होगा, पैसा गवर्नमेंट से लेना एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। नॉर्मली बोलो तो ये एनर्जी में अभी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा, मैं आपकी हेल्थ की देखूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेयर फॉल होना, बहुत ज़्यादा नींद ना आना, आंखों के नीचे ब्लैकनेस हो जाना, पिंपल्स आ जाना,
और मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी लग रही है, स्किन डल हो जाना, वेट पुटोन हो जाना या तो वेट डायरेक्ट लॉस हो जाना, ये चीज़ें आपके साथ होती होगी। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आजकल। आज का रीडिंग आपको बहुत ही डीप लेवल में कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ कनेक्ट होता है तो क्लिक एंड क्लेम। प्लीज़ गाइस लाइक करना ना भूलें, मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बहुत अच्छे से मैं और डीप लेवल में ला पाऊँ। ठीक है, हम देखते हैं आपकी कैंडल्स से क्या रीडिंग आ रहा है, कि आप उनको जानते हो। ठीक है, एक मिनट में फैन ऑफ कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से रीडिंग दे पाऊँ। अरे आप तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है किसी के लिए। ओ गॉड, आपकी एनर्जी में तो क्या ही बोलूँ। ठीक है, मैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करना चाहती थी, बट आपकी एनर्जी भी कुछ इतनी अच्छी तो है नहीं, लगता नहीं है। देखो, इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में, मैं नॉर्मली देखती हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में पहले एफर्ट्स किए हुए, समझो आपने जॉब स्टार्ट किया। ठीक है, प्लीज़ गाइस बाहर से कोई आवाज़ आता है तो प्लीज़ अवॉइड करना। देखो गाइस, आपने पहले अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, समझो कि आपने 1 साल तक आपने जॉब किया, फिर जैसे ही आपका प्रमोशन का वक्त आया तो वो प्रमोशन आपका कहीं ना कहीं रुक गया, या तो किसी कलीग की वजह से, या तो आपने ही कोई मुसीबत या प्रॉब्लम्स की वजह से आपने ये चीज़ें छोड़ दी है। तभी इनके आने के बाद आपने करियर चेंज किया होगा। ठीक है, और उस करियर में आपका ग्रो भी दिखाई दे रहा है, टेढ़े मेरे रास्ते ही सही, लेकिन आप इसके फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो साइकिल पुरानी है उसके पैटर्न को आपने ख़त्म किया है। ठीक है, इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, थॉट्स में आपके प्रैक्टिकल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव पार्ट्स है, नेगेटिव पैटर्न चला आ रहा है, वो पैटर्न को आप ख़त्म करोगे, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि बोलते हैं ना, एक एक मटके के अंदर आपको जितना पानी है, वरना फिर वो छलकना स्टार्ट हो जाता है। तो इनके आने के बाद आपका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी ट्रिगर करते हैं तो इतनी आसानी से ट्रिगर तो करने वालों में से है नहीं, क्योंकि आपका आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी कोई इतनी छोटी मोटी नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये कनेक्ट ना करे, ये मेरे जो वर्ड है, बचपन में कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब हो सकता है किसी के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको, ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से आप किसी और पे भरोसा नहीं कर पाते, या तो आपका पहले इसके पहले जो पार्टनर था तो कहीं ना कहीं सेक्स से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा था। आपको लगता है सेक्स इज़ एवरीथिंग, किसी भी इंसान को आपको प्यार करना है तो सेक्स ही एक है वे, तो वो इन्होंने बदल दिया है कि अकेला सेक्स ही नहीं होता है, इंसान को प्यार करने का तरीका भी होता है, प्यार भी, सेक्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने आपको सिखाया है, इनके मतलब ये सिखाएंगे या सिखाया है। ठीक है, इवन मैं ऐसे नॉर्मली मैं बोलती हूँ इनकी एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं आपके बचपना दूर हुआ होगा, या तो बचपना दूर होने वाला है, ये आपको ट्रिगर करेंगे कि तुम में प्रॉब्लम है, तुम में बचपना है, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इस टाइप की एनर्जी। आप उस चीज़ को मतलब सुधारने की कोशिश करोगे। इवन जो आप लड़की हो या लड़के हो, आपके अंदर एक माइनस पॉइंट रहता होगा, किसी के साथ देखने के बाद इनको आपके अंदर एक एक परिवर्तन आएगा। ठीक है, इनको या आप किसी लड़की को, आपका जो पहले वाला पार्टनर होगा ना, वो किसी के साथ ही बातचीत करता है तो आपको एक ईगो होगा, आपको एक जलन होगी, आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन इनके आने के बाद, समझो कि एग्जांपल देती हूँ कि आपने उनके आसपास किसी लड़की हो, मैं लड़की की चीज़ एग्जाम्पल दूंगी, बट प्लीज़ इसे अवॉइड करना, आप अपने हिसाब से देखना, आप लड़के हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समझो मैंने एक लड़की हूँ, और लड़की के मैंने मेरा जो पार्टनर है उसको आसपास दो एक लड़कियाँ देखी, उससे बातचीत करते हुए देखा उसके आसपास, उस या तो उस उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ी, तो वो जो लुक है उस लड़कियों का, तो आपने उस चीज़ों को पाने की कोशिश की करोगे या किया होगा। जैसे कि सामने वाली लड़की लिपस्टिक लगाती है तो लड़का है,
तो टी शर्ट वेयर करता है, जिम जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रो करता है। यानी इनडायरेक्टली इन्होंने ट्रिगर किया, इनडायरेक्टली आपको इन्होंने बताया कि मुझे क्या पसंद है, तो आपने क्या किया है, इनकी इनकी इनके जैसा बनने की कोशिश किया है। यहाँ पे उनको जो पसंद है वहाँ पे उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं आपका लुक बदलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अचानक से वेट लूज कर लो या तो गेन कर लो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में दिखाई दे रहे हो। ये नॉर्मल है, हर बार आपके आता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक टाइप का आपका जो पुराना जो अय्याश वाला लाइफ था वो आज की आज में समझो, आज में जो शाइन हो, जो पहले वाले शाइन को आप देखोगे तो कुछ अलग ही होगा। ठीक, तो आपकी लाइफ में आप पूरी तरह से बदले हो, आपकी लाइफ में आपका खुद का वैल्यू आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आप इनसे मिलने के बाद आपने, और हो सकता है कि इनके मिलने के बाद आप ग्रीन तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र का ट्राई करो, और रामा दासा सासे सोहंग ये भी ट्राई करते हो तो दिख रहा है। इनके पास, इनके साथ आने के बाद आप अपना करियर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ सीखोगे आप अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ सीखने का मन बहुत ही हाई लेवल का होगा। 2 से 3 बार आपने उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश की। समझो कि मैंने आपको एग्जांपल दूँ तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आया और उसकी वजह से मैंने टैरोट रीडिंग स्टार्ट किया, तो मैंने 3 से 4 बार उसको अवॉइड किया हो। आप मेरे पास टैरोट होने के बाद भी मैंने छोड़ दिया इस टाइप का, बट फिर से आपने यूनिवर्स ने आपको फिर से हाथ में लिया कि हाँ भाई ये तो तेरा सोल पर्पस है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस तक पहुँचाएगा। बट ये 3 से 4 बार आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका करियर कहीं ना कहीं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इनका सडनली आना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। इवन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा पहले से मौजूद होगा, ठीक है, तो भी इनके अचानक से आना हुआ होगा, या तो अचानक से आएंगे आपकी ज़िंदगी में। वो पार्टनर तो ऑलरेडी ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बहुत परेशान हो चुके होंगे और अचानक से ये इस बंदे का आना होगा। आप 2 बंदों के अंदर भी फंसते हुए, मतलब 2 बंदों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, तो बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में ऑलरेडी फ्रेंड्स अवेलेबल है, लव भी अवेलेबल है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके आने के बाद आपने कुछ नया स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, या तो फिर कोई एग्ज़ाम देना स्टार्ट करोगे, या तो फिर आप टैरोट रीडिंग या टैरोट कुछ मतलब कुछ बच्चों को ट्यूशन क्लास चलाना इस टाइप का कुछ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और वैसे मैं देखो तो आपके जो थॉट्स है, ठीक है, पहले नेगेटिव थे, अभी भी है, मना नहीं करती हूँ, नेगेटिव तो है, बट अब हर वक्त में आप सीखोगे इनके आने के बाद, आप सीख रहे होंगे, ये है एक एनर्जी। तो आपके पार्टनर की वैसे मैं देखूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इनका इनका ज़्यादा बातचीत करना नहीं होगा, आप ही इस रिलेशनशिप को चलाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में एक सोल और ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, तो आप सभी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार कंफर्म ज़रूर करवा देना कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये एक है, तो आपकी लाइफ में इनके आने के बाद आप बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब बचपना छोड़ते हुए। बचपन में ना पैसों का वैल्यू होता है और ना ही कोई चीज़ का वैल्यू होता है, तो ये तो आपको एक वैल्यू सिखाने वाले है। इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कपड़ा चेंजेस, मतलब कपड़े का मतलब बोलते हैं ना, आपकी स्टाइल बदलते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप एक शायद ही आपको कोई 1 साल पहले वाला जो भी आप हो उसको पहचान पाएगा, शायद आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। एक बोलते हैं ना, पहले आप जब भी एक नैया में पार होना, उसके अंदर तूफान आ जाना, तो उस तूफान में से भी आप कहीं ना कहीं डूब जाते थे, बट इस वक्त आप हर मुसीबतों का सामना आप करोगे और इसमें से निकलोगे भी, पूरा दरिया आप पार कर दोगे और आराम से आपकी बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी। इनके आने के बाद आप बैलेंस हो जाओगे, मतलब बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ गलत एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, ये आपको ट्रिगर बहुत करेगा, एंजाइटी लेवल बहुत होगी, रोना बिल्कुल होगा, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, रोना तो होगा, रोना तो है, ठीक है।
इसको तो हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो इस चीज़ को तो मैं अवॉइड ही करूँगी। तो रोने वाले तो हो आप बिंदास, ठीक है, रोते हुए दिखाई दे रहे हो, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको सही वे में लेके जाएगा, आपको एक लाइफ का एक राह दिखाते हुए दिखाई देगा कि ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला है, क्या मिला। आपको एक रास्ता दिखाने वाला एक इंसान आपको मिलेगा, आपका सोलमेट मिलेगा। तो आपको रास्ता टेंशन लेने वाली बात नहीं, धीरे 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 आपको सब सही हो जाएगा। ओके, बट ये बंदे को पाना आपको बहुत मुश्किल होगा। एक साइकिल से दूसरे साइकिल तक पहुंचने के लिए कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि लव मैरिज है, तो हाँ लव कम अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। इस बंदे की, इसकी फैमिली को मनाना। आप बोलोगे फिर ऐसे बंदे से शादी किया करें, नसीब में लिखा थोड़ी ना कोई हटा सकता है। तो फिर यही है आपकी डेस्टिनी, कुछ चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक है, जैसे कि ये नहीं आपकी पार हो रही है, आप देखा आपने, ये इतना इतना मजबूत आपको मजबूती ला के देगा आपकी ये जर्नी को, कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी को, इसके बाद शादी के बाद आपकी ज़िंदगी सच में अच्छी है। उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आते, लेकिन एक जो लव चाहिए था, एक कमिटमेंट, एक प्यार चाहिए था, जिसका आपको टच करने से ही आपको जो एहसास मिले वो चाहिए था, तो ये बंदा आपको देते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।